शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI शिवपुरी द्वारा संस्था परिसर में इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग शिवपुरी के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन की जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप के दौरान IFFD के संचालक नीरज सेन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को लेटेस्ट फैशन डिजाइनिंग तकनीक, स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी की जानकारी दी गई और लाइव डेमो प्रेजेंटेशन भी दिया। एक फैशन डिजाइनर के लिए अवसर, प्लेसमेंट, सुविधा, संसाधन और स्वरोजगार की विस्तृत जानकारी IFFD की संपूर्ण टीम ने स्टूडेंट्स को दी। इस वर्कशॉप में लगभग 49 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया एवं स्वयं के द्वारा प्रैक्टिस भी करके देखी। प्राचार्य नितिन कुमार मंसूर वाले ने इस तरह के आयोजन के लिए प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप सेल को बधाई दी और भविष्य में भी इस तरह की वर्कशॉप करने के लिए प्रेरित किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। चैलेंजेस आते हुए कई लोग बोल रहे हो कि अगर आ रहे हो अपनी बच्ची से कपड़े सिलेगी क्या ये जाके। मैम आपका नाम? मेरा नाम है काजल खान जी। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ जी। तो ये जो मशीन है आपके पीछे, ये क्या मशीन है और यहाँ पर जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें क्या इसके रिक्वायरमेंट है? पहले जो लोग हाथ से एम्ब्रॉयडरी करा करते थे उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाता था, इससे हम अपना टाइम बचा रहे हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटराइज मशीन है हमारी, इसके मार्ग से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि अपना टाइम बचाते हुए भी हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और एक कपड़े को डिज़ाइन कर सकते हैं कम समय में। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑपरेट होती है या ये इसको आपको ऑपरेट करना पड़ता है? इसको कुछ सिस्टम रहते हैं इसके जो मुझे सेट करना पड़ते हैं और इसके डिज़ाइन हम पेन ड्राइव में लेके आते हैं, उसके बाद ही मशीन में आते हैं, उसके बाद इसे सिस्टम पे लाने के बाद हम इसे डिज़ाइन को करते हैं। तो ऑनलाइन अप्रोक्स कितना समय लग जाता है इसमें? एक डिज़ाइन में टाइमिंग रहती है, जैसे कि डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना वर्क है, जितना उसमें वर्क होता है जी। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप लोग सबको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं इस मशीन को ऑपरेट करने की? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संस्कृति जैन। संस्कृति, ये जो पीछे ड्रेस है ये आपने डिज़ाइन किया? जी मैम। तो अकेले आपने डिज़ाइन किया है या कोई और? नो मैम, तनु दीदी जी। तो आपने ये किसी के गाइडेंस के अंडर डिज़ाइन किया है? जी मैम। आपके गाइड का नाम? काजल मैम। तो आप ये जो प्रशिक्षण केंद्र है इसमें आप लोग कब से प्रशिक्षण ले रहे हो? 4 मंथ हुए मैम मुझे। 4 मंथ से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये आपकी कोई डिमांड है प्रशासन से, आप चाहते हैं बोलना? जी मैम जी, जो छोटे कस्बे और गांव जिले जितने जो भी हैं वहाँ फैशन के बहुत कम सोर्सेज हैं, वहाँ ये चीज़ और आगे तक जानी चाहिए और हमारे जो ब्रांच हैं वो और भी जगह, मतलब हमारे सर्विस है वो देंगे और हमारे सेंटर और भी जगह खोले जाएंगे, इसलिए जी। सर क्या नाम है आपका? मैं नीरज सेन, IFFD मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी का इस समय संचालन कर रहा हूं। और आज बड़े खुशी की बात है कि शहर के अंदर ITI कैंपस में आदरणीय प्रिंसिपल महोदय के माध्यम से फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंटों के लिए एक कैरियर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित जो उनके डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर रहे हैं और बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझ रहे हैं। कुछ जो सिंपल मशीनों में काम करने के बाद उनको नए इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, एडवांस मशीनों पर उनको ट्रेनिंग यहाँ पे IFFD प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, उनके डाउट्सों को क्लियर किया जा रहा है और साथ ही साथ वो नई तरीके की टेक्निक चीज़ों को समझ रही हैं, एम्ब्रॉयडरी पीसेस को भी समझ रही हैं। ये हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का माहौल और इस तरीके का आयोजन शहर में हो रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में शहर में जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनका रुझान इस फील्ड की तरफ बढ़ेगा। ये जो फील्ड है फैशन इंडस्ट्री का वो एक नया फील्ड है और कंपैरिजन हमारे जैसे कि अभी हम अदर फील्ड्स के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर रहा हो या कोई प्राइवेट सेक्टर रहा हो, लेकिन ये जो फील्ड है वो स्किल बेस्ड फील्ड है जिसमें बच्चों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुनरमंद अगर चीज़ों को वो सीखेंगे तो आगे आने वाले समय में, जो पिछले कुछ समय के दौरान हमने देखा कि जैसे कोविड का एक काल रहा तो उसमें हमारे हाथ में कुछ काम नहीं बचा था, लेकिन जो लोग हुनरमंद थे, जिनको हाथों से जुड़े हुए जो काम थे, चाहे वो रिपेयरिंग का काम रहा हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में हाथों वाला कढ़ाई वाला काम रहा हो, उससे उन्होंने अपने रोज़गार को भी बढ़ावा दिया और 2 पैसे उनके उस बुरे वक्त में भी अर्निंग का सोर्स बने। तो इन फ्यूचर हमारा भी ये प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक उनका सपना है, तो हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएँ, कैसे उसमें एक भागीदारी बने, उसमें एक सफल
प्रोग्राम करने का आयोजन IFFD कर रहा है। शिवपुरी की बच्चियों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे शहर में भी अब उपलब्ध हो चुका है। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मंत्री महोदय, कौशल विकास और माननीय प्रिंसिपल महोदय, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन किए, और चाहूंगा आगे समय में, आगे आने वाले समय इस प्रकार के आयोजन होते रहें, जिससे बच्चियों को मार्गदर्शन मिलता रहे और नए नए क्षेत्रों के बारे में उनको जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्ते सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं गवर्नमेंट IIT शिवपुरी में पदस्थ हूँ और वर्तमान में प्रभारी प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर हूँ। जी सर, अभी प्रेजेंट में यहाँ पर एक वर्कशॉप चल रहा है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसका विवरण आप हमें दें। वर्तमान में हमारे पास IFFD कंपनी से यहाँ पर उनके संचालक महोदय के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जो कि ITI में संचालित व्यवसाय फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है। फैशन डिजाइनिंग के बारे में बच्चों को बताना, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, उनको वर्तमान में इस फील्ड में कौन कौन सी जगह पर उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, इसके बारे में बताने से संबंधित था। लगभग कितने स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप में लगभग 40 से 50 बच्चों ने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है कम्प्लीटली। तो इसमें ऐसा कुछ है कि यहाँ पर जो ITI के क्षेत्र के बच्चे हैं, सिर्फ वही लोग इसमें आ सकते हैं या बाहर से भी कोई स्टूडेंट? बिल्कुल, ITI वाले बच्चे तो इसमें आ ही हैं, साथ में जो ये ओपन वर्कशॉप है एक्चुअल में, जिसमें कि बाहर से इस फील्ड में रुचि रखने वाले बच्चों को भी हमने कोशिश की थी कि वो भी जुड़ें, और इसमें वर्तमान में बैठे हुए हैं, वर्तमान में इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो कि ITI से पूर्व में पास आउट कर चुके थे, उनको भी हमने कॉल करके बुलाया है। सर, ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखें, इस टाइप की जो वर्कशॉप होती हैं उनका पूरा फ़ायदा लें, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी से ये लोग आपको बहुत अच्छे से अवगत कराते हैं, जो कि आपको अपने भविष्य निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है वर्तमान में। तो इस तरीके की वर्कशॉप जनरली यहाँ पर अरेंज होते रहते हैं? बिल्कुल, ITI में वर्तमान में इस टाइप की वर्कशॉप होती रहती हैं, कभी स्वरोजगार से संबंधित और बच्चों के लिए करियर मेला, रोजगार मेला, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगातार होती रहती हैं। और वर्तमान में जो सहसा सर ने बोला कि अभी एक 13 तारीख को यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, और इसके अलावा 16 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन भी हमारे ITI में किया जा रहा है। ये इस महीने के इवेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।